हेलो दोस्तों, मेरा नाम फागुनी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर नए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे कि टॉप ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। इस सब जानने के लिए हमको लैपटॉप के स्क्रीन पर जाना होगा। इससे पहले उन वेबसाइट के कुछ बेनिफिट बता देता हूँ कि उन वेबसाइट का इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, हम सब जो कॉलेज में पढ़ते हैं और उसकी जो सिलेबस होती है वो सब आउट ऑफ डेट होते हैं। कॉलेज में कई ऐसी चीज़ पढ़ाए जाते हैं जो हम लोग को कुछ काम की नहीं होती है, फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम पास करना होता है, साथ ही साथ अच्छे मार्क भी लाना होता है। एग्ज़ाम पास करना है तो वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस में होती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ हट के बता रहा हूँ। आपको अपडेट रहना होगा और जो भी दुनिया में चल रहा है उस पर आप लोगों को फोकस करना होगा, ना कि उस पर जो हमारे फादर और ग्रैंडफादर पढ़ते थे। तो इसके लिए टॉप ऐसी वेबसाइट की जानकारी दे रहा हूँ जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस पर जितने इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं वो सब लेटेस्ट होते हैं और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इन आर्टिकल से। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा वेबसाइट है जो सिविल इंजीनियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट में है द कंस्ट्रक्शन। सिविल इंजीनियर के लिए बोलूँ तो ये शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक पे कवर किया गया है, खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोग कोई भी टॉपिक ढूंढ रहे हो उसके जानकारी लेने के लिए तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। जैसे कि ये बिल्डिंग हो गया, कंक्रीट हो गया, कंस्ट्रक्शन या कोई भी हो गया, अगर इस पर अगर विजिट करते तो आप लोग हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं सर्च करता हूँ सिव एनालिसिस, जैसे कि मैं सिव एनालिसिस सर्च किया और देखिए आप इसका भी कितने डिटेल में जानकारी दिया गया है। आप लोग इसको विजिट करते तो आपके लिए आप लोग इसको विजिट करते तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो गए। जैसे कि देखिए सिव एनालिसिस ग्रैंड साइज एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दिया गया है जो कि आप लोग इसे पढ़ सकते हो। सब इसके फॉर्मूला सब दिया है तो इसको आप लोग भेज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि मेरे लायक है कि नहीं। और मैं बोलूँ तो आपके लिए बहुत काम की होगी। सेकंड में बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जितने बेसिक जो टॉपिक होते हैं उस पर कवर किया गया है, जैसे कि स्लम टेस्ट फॉर फ्रेश कंक्रीट, या इस मेन्यू बार में देखेंगे तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, क्वान्टिटी सर्वेइंग, मशीन इक्विपमेंट, इस सब के बारे में आप लोग अच्छे से इस पर जाकर पढ़ सकते हो। जैसे क्वालिटी टेस्ट ऑन कंक्रीट, अगर कंक्रीट को हम लोग क्वालिटी चेक करें तो यहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये सब इसके बारे में अच्छे से डिटेल दिया गया है कि कैसे आप लोग उसको चेक कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए आप लोग इसको विजिट कर सकते हो। तो हम आगे थर्ड में है आई एम सिविल इंजीनियरिंग। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, आई एम सिविल इंजीनियर यानी कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो इसको आप लोग अगर विजिट करते हैं तो इसके उस दोनों से रिलेटेड कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ से एक बुक भी डाउनलोड कर सकते हो जिसे ई बुक कहते हैं, और इसमें खास बात यह है कि आप लोग इसमें जॉब भी सर्च करते हो। अगर आपके कोई सिटी में जॉब चाहिए और सर्च कर रहे हैं तो इस साइट पर जाकर के आप लोग जॉब सर्च कर सकते हो जो कि यहाँ से, और कुछ भी डाउनलोड करना हो जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ई बुक हो गया, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या कोई ट्यूटोरियल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। इसको भी देख लेता हूँ, जैसे कि मैं ट्यूटोरियल पर जाता हूँ, देखिए बहुत से मैं ट्यूटोरियल पाया, देखिए इसमें सब कुछ के बारे में है, ऑल अमेजिंग मॉडर्न है, देखिए लेटेस्ट, तो देखिए लेटेस्ट पोस्ट रखा है जो कि आप लोग इस पर जा कर के पढ़ सकते हो, कुछ जानकारी जुटा सकते हो। जैसे 10 फ्यूचरिस्टिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप लोग नहीं पता है तो इस साइट पर आप लोग विजिट करके अच्छे से जान सकते हो, उसके बारे में एक वीडियो भी उसमें रखा है। और आप लोग आर्टिकल पढ़ने में थोड़ा जक हो रहा है तो आप लोग इसके वीडियो भी देख करके आप लोग कुछ सीख सकते हो। तो फोर्थ में
फोर्थ में ऑनलाइन CV.net, तो इसमें भी आप इसको भी कुछ बातें बता देता हूँ कि इसमें भी आप आर्टिकल के साथ साथ इसमें बहुत कुछ है जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई फ्री बुक हो गया और ये सॉफ्टवेयर हो गया, आप इसमें दूसरे से मुकाबले बहुत कुछ आपको फीचर मिल जाएगा, जैसे कि आपको जॉब ढूंढना है तो इसमें भी इस पे आ सकते हो, और कोई बुक डाउनलोड करना है आप लोगों को, कुछ बुक ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो आप लोग इस पे आ सकते हो, जैसे ई बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप लोग इस पे सॉफ्टवेयर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या आप लोग को सिविल इंजीनियर से रिलेटेड इंटरव्यू टिप्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जाके इंटरव्यू टिप्स और टिप्स सब जान सकते हो, और कोई भी जॉब देखिए जॉब से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट हैं, और आप लोग जॉब से रिलेटेड पोस्ट ढूंढ रहे हो तो इस पर जा कर के आप लोग ढूंढ सकते हो और अपना जॉब पा सकते हो। तो फिफ्थ में है सिविल डिजिटल। सिविल डिजिटल अपने फर्स्ट पेज पे यानी होम पेज पे ही कुछ अपना मिशन और विजन लिख दिया है कि मैं क्या क्या करता हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हो और कुछ जान सकते हो। इसका देखिए रिसोर्स क्या सब है, जैसे कि इसका रिसोर्स क्या है, जैसे सिविल इंजीनियर पावर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग, और सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, उसका फाइव क्या है यानी इसका फाइव क्या है, और बहुत सारे इस पर आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा आप लोग इस पर विजिट करते हो तो, और इसका जितने आर्टिकल है आप लोग इस पर जाकर पढ़ सकते हो। तो चलते अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सिक्स्थ में दिल्ली सिविल। इस पर भी आप काफ़ी अच्छे आर्टिकल मिल जाएगा, जैसे कि देखिए इसमें आप लोगों को लेटेस्ट जितने पोस्ट आएगा वहाँ से यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, और जो जो आप लोगों को चाहिए वहाँ सर्च करके आप लोग इस पर देख सकते हो ऐसा, और कुछ और चाहिए तो सिविल इंजीनियर और कंक्रीट से रिलेटेड स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप लोग इस पर जा सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं सेवन में। नेक्स्ट में अबाउट सिविल। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर पढ़ रहे हो और उसमें काफ़ी कुछ सीखना चाहते हो तो आप लोग को ये ऑनलाइन पोर्टल है और ऑनलाइन वेबसाइट है जो आप लोग को यूज करना ही होगा। अगर आप लोग इसको यूज करते हो तो क्लास की नोट्स के अलावा आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्लास में तो आप सीखेंगे साथ ही साथ आप लोग ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स। क्लास में तो आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल के बारे में कुछ और ही सिखाता होगा या उससे रिलेटेड कुछ सिखाता होगा, लेकिन इस पर भी अगर आप ऑनलाइन भी विजिट करते तो इस पर आप लोग एडवांस टॉपिक सब भी मिल सकता है जो कि आप लोगों को आगे जाकर बहुत मदद कर सकता है, और इस पर आप लोग डाउनलोड करने के लिए और ई बुक या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग इस पर जाकर कर सकते हो, कोई रिसर्च टॉपिक ढूंढ रहे हो या कोई ट्यूटोरियल तो आप लोग इस पर जाकर ढूंढ सकते हो, अपना जो भी टॉपिक है उसको और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है SCA यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये अमेरिका का एक वेबसाइट है और बहुत बहुत बड़ा वेबसाइट है सिविल इंजीनियर के लिए। इसमें क्या क्या फीचर है कि आप लोग अगर इस साइट को विजिट करते तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि मेरा ज्वाइन SCA यानी कि आप इसका एक मेंबर बन सकते हो, और मेंबर बनने के लिए आप लोगों को कुछ पे करना होगा, उसके बाद अब अगर इसके कोर्स सब कंप्लीट करते तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देगा जो कि आप लोग को जॉब में काम आएगा। इसमें भी बहुत सारे फीचर जैसे इसका एजुकेशन कैरियर क्या है, इसका लाइसेंस अब क्या है, आप लोग इस पर रजिस्टर करते तो आप लोग को इसको ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हो और यहाँ से आप लोग जॉब भी पा सकते हो, और इसका टेक्निकल एरिया में अगर बात करो तो इसमें भी आप जैसे कि सब टॉपिक यहाँ पर दिया है इस पर जाकर आप लोग विजिट करते तो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग इससे जाकर सीख सकते हो। तो नेक्स्ट में चलते हैं यानी नाइन में है इंजीनियरिंग सिविल। इसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो लेटेस्ट से रिलेटेड जबकि सिविल से रिलेटेड जो जो लेटेस्ट टॉपिक है वो सब आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, और सिविल इंजीनियर से बेसिक टॉपिक ढूंढ रहे तो यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज इंजीनियरिंग या हाइड्रोलिक हो गया, अगर इस पर आप लोग क्लिक करते हो तो इसके बारे में जितने टॉपिक है उस सबको अच्छे से कवर किया गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, इसमें आप लोगों को कुछ डिटेल में जानकारी मिल जाएगा,
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस पर भी आप लोग को अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन विजिट करते हो तो इन साइट सब पर विजिट करिए और डेली आप लोग विजिट करिए, कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं यानी टेंथ पे सिविलैक्स। सिविलैक्स भी एक काफ़ी अच्छा साइट है सिविल इंजीनियर के लिए, जो कि आप लोग इसमें जाएंगे लास्ट, इसमें मेन्यू बार में ही सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग क्या क्या इस पर मिलने वाला है। जैसे कि लेटेस्ट पोस्ट यानी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जितने लेटेस्ट पोस्ट होता है वो आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो। और या कोई सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे ऑटो प्रोडक्ट, मिलिट्री प्रोडक्ट, ये सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। या ई बुक आप लोग किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग ई बुक चाहते तो यहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हो और अपना ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सारे इसमें फीचर दिया गया जो जो आप लोगों को इसको विजिट करना ही होगा। जितने में 10 वेबसाइट के बारे में बताया हूँ वो सब आप लोग इसको विजिट करके और जो आप लोगों को मन पसंद आए उसको आप लोग को बुक मार्क कर लीजिए और आप लोग डेली इस पर विजिट करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम का होगा ये साइट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ वेबसाइट थे जो आप लोगों के साथ मन किया शेयर करने के लिए तो कर दिया। आप कोई भी फील्ड में हो अगर उस फील्ड से कुछ नया सीखना चाहते हो तो आप लोगों को अपडेट रहना होगा और उससे रिलेटेड कुछ नया सीखना होगा। नया आप लोग तभी सीख सकते हैं जब आप लोग इंटरनेट यूज करेंगे और इंटरनेट का फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक यू दोस्तों।